प्रदेश में चुनावी सीजन है और तमाम सामाजिक संगठन इन दिनों अपने अपने समाजों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान जाट महासभा ने भी आज राजधानी में अपना विशेष अधिवेशन बुलाया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह रहे। इस आयोजन की अध्यक्षता जाट नेता राजाराम मील ने की। अधिवेशन में पूरे प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी तादाद में समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि युद्धवीर सिंह ने अधिवेशन के दौरान अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आज राजनीतिक दल जाट समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं। समाज में बस मुट्ठी भर एमएलए हैं, वो भी समाज के लिए काम नहीं करते हैं। उन्होंने राजस्थान की सियासत में जाट समाज के दिग्गज नेताओं में चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, कुंभाराम आर्य, नाथुराम मिर्धा, शीशराम ओला, परसराम मदेरणा का जिक्र किया और कहा कि आज राजनीति में ऐसे दिग्गज नेता नहीं रहे हैं जिन्हें प्रदेश के विकास के साथ ही समाज के उत्थान के लिए जाना जाता हो। इस दौरान युद्धवीर सिंह ने केसरी सिंह को आरपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था का सदस्य बनाने पर भी सवाल खड़े किए। अधिवेशन में ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने की भी मांग उठी। इस मौके पर जाट समाज के कई युवाओं को महासभा ने पदाधिकारी नियुक्त किया, जिसमें जितेंद्र चोपड़ा को महासभा का प्रदेश महासचिव भी बनाया गया।